तो हम लोग रिवीजन टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे, राइट? सो वी विल डू नाउ क्वेश्चन नंबर 7। पढ़िए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7, एवरीवन रीड इट। ये भी एक टाइप का कॉस्ट शीट का ही सम है, जॉब कॉस्ट शीट का सम है, जिसमें आपको एक कॉस्ट शीट दिया हुआ है। यू हैव टू कैलकुलेट ओवरहेड रिकवरी परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट आइटम्स, जैसे वेजेस का होता है, फैक्ट्री ओवरहेड का होगा वेजेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इस टाइप का सम है। आइए पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखा है। फैक्ट्री यूजेस जॉब कॉस्टिंग सिस्टम, द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन फ्रॉम इट्स बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस दे दिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव दे दिया, फैक्ट्री ओवरहेड प्रॉफिट दे दिया। प्रिपेयर अ जॉब कॉस्ट शीट शोइंग प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सेल्स वैल्यू। मतलब वर्क्स कॉस्ट दिखाने नहीं बोला है, इसका मतलब आफ्टर एडिंग फैक्ट्री ओवरहेड जो आएगा वो डायरेक्टली हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड को ऐड करने से हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। इन 2019 एंड 20 फैक्ट्री रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर अ जॉब, इट इज़ एस्टिमेटेड कि डायरेक्ट मटेरियल इतना चलेगा, डायरेक्ट मटेरियल इतना लगेगा, डायरेक्ट लेबर इतना लगेगा, डिटरमाइन व्हाट शुड बी द प्राइस फॉर द जॉब, फैक्ट्री इंटेंड्स टू ऑन द सेम, मतलब जो मेन कॉस्ट शीट है ना उसका जो रेट ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज है यहाँ पर भी वही होगा, खाली एक है कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 15% बढ़ा है, फैक्ट्री ओवरहेड का एज अ परसेंटेज ऑफ वेजेस पेड एंड अदर ओवरहेड, अदर ओवरहेड में दोनों आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव भी आ जाएगा और सेलिंग भी आ जाएगा, दैट विल बी रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ बहुत सिंपल चीज है, तो सबसे पहले अपने कॉस्ट शीट बनाएंगे मेन वाला, राइट? पार्ट वन का आंसर कर रहे हैं हम लोग। इस टाइप का सम्स एग्जाम्स में पूछ सकता है आपको, कि आपको एक कॉस्ट शीट दे देगा फिर बोलेगा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाइए या एक जॉब कॉस्ट शीट बनाइए, राइट? सबसे पहले यू हैव डायरेक्ट मटेरियल्स, देन यू हैव डायरेक्ट लेबर, इनको ऐड किया, आइटम्स देख के तो यही समझ में आ रहा है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, तो आएगा मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्लस तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स तो ये हमारा मेन कॉस्ट शीट है, राइट? कोई भी स्टॉक पोजीशन नहीं दिया हुआ तो अपने भी नहीं बैठाएंगे, क्वाइट कंपैरेटिवली इजी सम है, राइट? तो अपने को डायरेक्ट मटेरियल 18 लाख दिया हुआ है, 15 लाख दिया हुआ है, आएगा 33 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड 9 लाख, आएगा 42 लाख, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया हुआ है 8 लाख 40, 10 लाख 50, राइट? ऐड करके बताइए, 10 लाख 50 हज़ार, कैलकुलेटर निकालिए आप लोग। तो दिस इज
हाउ मच? 42 लाख प्लस 8 लाख, 40 प्लस 60 लाख, 90 हजार, एंड देन 12 लाख, 18 हजार, सो दिस इज 73 लाख 8,000, राइट? इज दैट फाइन? नाउ इस कॉस्ट शीट के बेसिस पे अपने को पार्ट टू करना है, तो पार्ट टू में अपने को पहले डिफरेंट रिकवरी रेट्स निकालना पड़ेगा। ये मेरा मेन कॉस्ट शीट सिंपल ऐड करना है पार्ट टू में। नोट नंबर वन, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स। सबसे पहला आएगा फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड। तो 9 लाख फैक्ट्री ओवरहेड है, इसका बेस है वेजेस इन 200, दैट कम्स टू 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है? नंबर बी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, दैट इज 8 लाख 40 डिवाइडेड बाई 8 लाख 40 डिवाइडेड बाई 42 लाख इन 200, दैट कम्स टू 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना है? 10 लाख 50 बाई 42 लाख इन 200, दैट कम्स टू 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट, दैट इज 12 लाख 18 थाउजेंड बाई 60 लाख 90 थाउजेंड इन 200, दैट कम्स टू 20% ऑन कॉस्ट। सो ये चार रिकवरी रेट निकालना मस्ट है, जो हमारे को ओरिजिनल कॉस्ट शीट दिया है। ओरिजिनल कॉस्ट शीट के बेसिस पे हम लोग ये चार रिकवरी रेट्स निकाल लिया है। अब हम लोग बनाएंगे एस्टिमेटेड जॉब कॉस्ट शीट, उसका सेलिंग प्राइस निकालना है हम लोगों को। इज दैट फाइन? ठीक है, इज दैट फाइन? नाउ हम लोग बनाएंगे एस्टिमेटेड जॉब कॉस्ट शीट। तो एस्टिमेटेड जॉब कॉस्ट का डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस कितना है? तो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड प्लस सेलिंग ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट कर देंगे आ जाएगा कोटेड सेलिंग प्राइस, कितना सेलिंग प्राइस कोट करना है ये आ जाएगा। नाउ इसका डायरेक्ट मटेरियल है 480, वेजेस है 3 लाख, तो ये आ गया 780। फैक्ट्री ओवरहेड आएगा 60% ऑफ 3 लाख, 60% ऑफ 3 लाख, हाउ मच? 60% ऑफ 3 लाख आएगा 1,80,000। सो दिस इज कमिंग टू 9,60,000। अभी 20% ऑफ 9,60,000 तो आएगा 1,92,000। इसका आएगा 25% ऑफ 9,60,000, जो भी आएगा उसका 115%, क्योंकि 15% से खर्चा बड़ा भी है। तो यह आएगा 9,60,000 का 0.25 इंटू 115%, सो दिस कम्स टू 2,76,000। तो ये आ गया मेरा 14,28,000। नाउ द प्रॉफिट विल बी 1/5 ऑफ 14,28,000, क्योंकि सेम प्रॉफिट परसेंटेज मेंटेन करने बोला है, राइट? सेम प्रॉफिट परसेंटेज मेंटेन करने बोला है, तो 14,28,000 का 1/5 मेन कॉस्ट शीट के बेसिस पे रिकवरी रेट्स आ गया। अब जितना जॉब कॉस्ट शीट कस्टमर का सब ऑर्डर आएगा उसके इस तरीके से प्राइसिंग किया जाएगा। कितना आ रहा है बोलो? 285,600, 285,600। तो मेरा सेल्स आ जाएगा कितना? 17,13,600। सेवेंटीन लैख थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड, इज दैट फाइन? किसी को कोई प्रॉब्लम? एनी वन?
इज दैट फाइन एवरीवन? किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है. यू देयर एट द बैक? ठीक है, आपको समझ में आया. चलिए, नेक्स्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8. राइट, प्रोसेस कॉस्टिंग का सम है. अच्छे से पढ़िएगा, सम में कुछ है नहीं. राइट, सम में कुछ है नहीं, बट उसमें जो लैंग्वेज यूज किया है उससे आप घबरा मत जाइएगा. राइट, अभी अभी एक खुशखबरी आई है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ. माय ब्रदर सैट फॉर सीए फाइनल एग्जामिनेशन एंड ही हैज़ क्लियर्ड दैट. आई विश कि मैं अभी जा सकता, लेकिन आप लोगों को पढ़ाना है तो उसी लिए आई विल कंप्लीट दिस सम. And today we will take a break. Thank you so much. I will convey your message to my brother. Aye, let us start. Star Limited manufactures chemical solution for the food processing industry. Right. Star Limited manufactures chemical solutions for the food processing industry. The manufacturing takes place in the number of processes. Right? ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए. Star Limited manufactures chemical solution. Sorry. नहीं नहीं नहीं, ये सब करा के जाना, ऐसा नहीं है. ठीक है, खुशी है, लेकिन आप लोग भी क्लियर करेंगे तो और ज्यादा खुशी होगी. राइट, आइए, लेट्स फोकस. आपने भी सीए बनना है. स्टार लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स केमिकल सॉल्यूशन फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. द मैन्युफैक्चरिंग टेक्स प्लेस in a number of processes. The company uses FIFO method to value WIP and finished goods. At the end of the last month, a fire occurred in the factory and destroyed some of papers containing records of the process operation for the month. Right. At the end of the last month, a fire occurred in the factory and destroyed some of papers containing records of the process operation for the month. So company meri madad chahti hai, being a chartered accountant, knowing the process costing, how accounting of process based industries is done. Jis saal, jis mahine aag laga, you have been able to gather some information about the month's operating activity.
but some of the information could not be retrieved due to the damage. The following information has been salvaged, right? आप लोगों ने वो देखा है वेलकम मूवी, जहाँ पे अक्षय कुमार आग में झुलस जाता है एंड कतरीना कैफ कूद के उसको बचा लेती है. तो अक्षय कुमार इज अ सैल्वेज वैल्यू, राइट. रमैया मस्ता मैया भी एक मूवी आई थी, उसमें भी इस तरीके का कुछ हुआ था, राइट. वो तबेला में आग लग जाता है, वो अपना घोड़ा बचाता है, खिलौना टाइप का चीज. तो यहाँ पर भी ऐसे ही होते हैं, कंपनी के कुछ कुछ लॉयल एम्प्लॉयज रहते हैं, जब आग लग रहा रहता है तो दे जंप इन टू द फायर एंड सेव समथिंग. तो वैसा ही कुछ स्टोरी है, ठीक है. सो स्टार लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स केमिकल सॉल्यूशन फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, द मैन्युफैक्चरिंग टेक्स प्लेस इन अ नंबर ऑफ प्रोसेस एंड द कंपनी यूजेस फीफो मेथड टू वैल्यू WIP एंड फिनिश गुड्स, ठीक है. एंड डिस्ट्रॉयड सम पेपर्स, वो बोल दिया है. अच्छा, ओपनिंग WIP एट द बिगिनिंग दे दिया है 1600 लीटर. नाउ मैंने आपको बताया था फीफो मेथड के लिए अपने को DOC का ब्रेकअप चाहिए, एंड वेटेड एवरेज के लिए अपने को ओपनिंग WIP में जो हमारा खर्चा लगा है उसका ब्रेकअप चाहिए. तो फीफो मेथड बोला है तो अपने को डिग्री ऑफ कंप्लीशन का ब्रेकअप चाहिए. तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का ग्रॉस इनपुट इज 1600, 70% कंप्लीट फॉर लेबर एंड 60% कंप्लीट फॉर ओवरहेड, राइट. 70% कंप्लीट फॉर लेबर एंड 60% कंप्लीट फॉर ओवरहेड. ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस वॉज वैल्यूड एट 1,06,000, 1,06,560, राइट. बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं. सो ओपनिंग WIP है हमारा 1600 लीटर, जिसमें 70% लेबर है, 60% ओवरहेड है, और इस 70% और 60% को करने में मेरा 1,06,560 खर्चा हो चुका है. सर मटेरियल का डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया. यूजुअली क्या होता है, मटेरियल खरीद लेने से ही कंप्लीट हो जाता है. तो अगर कुछ नहीं बोला रहेगा तो 100%, आप नीचे पढ़िएगा देखिएगा यही लाइन लिखा हुआ है, थोड़ा सा गिरिए, राइट. ऑल रॉ मटेरियल्स आर एडेड एट द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेस, राइट. ऑल मटेरियल्स आर एडेड एट द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेस, बोल दिया है क्वेश्चन में, क्लियरली बोल दिया, राइट. अच्छा, ओपनिंग WIP का पोजीशन दे दिया लास्ट मंथ, ये काम लास्ट मंथ हुआ, उसमें इतना खर्चा हुआ हुआ है. वर्क इन प्रोग्रेस में 320 लीटर है इस साल का क्लोजिंग, 30% लेबर है, 20% ओवरहेड है, नॉर्मल लॉस 10% है, राइट. टोटल लॉस 1200, मतलब इसमें नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों मिला के है, और फुली कंप्लीटेड है 8400 लीटर. तो इसमें 1600 ओपनिंग वाला कंप्लीट हुआ होगा, बाकी 6800 फ्रेश कंप्लीट हुआ है. लॉसेस का स्क्रैप वैल्यू दे दिया, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट दे दे, वाओ. तो अपने को सबसे पहले फ्रेश इनपुट निकालना है कि इस महीने मैंने कितना इनपुट दिया. तो याद है ना, मैंने इनपुट आउटपुट आपको मैच करना सिखाया था, तो उसी से अपने को पता चल जाएगा यूनिट्स इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ कितना है. अच्छा, नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड, तो टोटल इनपुट का, टोटल इनपुट, अच्छा 10% ऑफ इनपुट बोला है, तो इनपुट का 10% अपने कर लेंगे. वो इनपुट आते ही तो उसका 10% नॉर्मल लॉस हो जाएगा, उसके ऊपर वाला लॉस एबनॉर्मल लॉस, तो एक से दूसरा कनेक्टेड है. और अगर अपना नॉर्मल लॉस का पर हाँ फी अमाउंट इज नॉर्मल लॉस का यूनिट इज मोर देन द एक्चुअल लॉस, तो डिफरेंस एबनॉर्मल गेन में जाएगा. अच्छा, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड एडेड टू द प्रोसेस, मतलब करंट कॉस्ट पूछा है मटेरियल लेबर ओवरहेड का, एंड फिर अपने को प्रोसेस अकाउंट बनाने बोला है, राइट. आइए, सो अपने वो इक्यूपी बनाएंगे ना, तो उसी से हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा. वो इक्यूपी बनाने से ही एवरीथिंग विल बी क्लियर. आइए, सो इक्यूपी बनाएंगे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट
सो इनपुट पर्टिकुलर्स आउटपुट ओपनिंग डब्ल्यू आई पी हमारा 1600 लीटर, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड नोट नंबर वन, तो थोड़ा सा गिर के नीचे अपने को पता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी प्लस फ्रेश इंट्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू कंप्लीटेड प्लस टोटल लॉस प्लस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी, यही तो है ना। अगर आप ध्यान देंगे तो इनपुट साइड में हम लोग ओपनिंग डब्ल्यू आई पी लिखते हैं, फ्रेश इंट्रोड्यूस लिखते हैं, और आउटपुट साइड में कंप्लीटेड लिखते हैं, नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस मतलब टोटल लॉस और क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी। सो हमारे को ये पता है 1600, इसको एक्स ले लीजिए, कंप्लीटेड ये है, ये 1200 है, ये 320। अभी इक्विवेलेंट से मतलब अभी अपने ग्रॉस देखेंगे, अभी वी विल सी द ग्रॉस। तो यार है मेरा 8320 यूनिट्स, इज दैट फाइन। अब ऐसे होगा सम, ऐसे राइट। अरे आप लोग पढ़ाई में मन लगाइए, मिठाई विठाई सब खिलाऊंगा, पहले पढ़ाई तो कर लो भाई। 8320, हाँ आप लोगों को भी देंगे, कोरियर करेंगे, कोरियर आइए। ठीक है, तो अब हम लोग दिखाएंगे यहां पे यूनिट्स कंप्लीटेड। सबसे पहला आउट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यू आई पी अगर 1600 कंप्लीट होगा तो आउट ऑफ इंट्रोड्यूस टोटल 8400 हुआ है, तो 8400 में से 1600 बाद दे दीजिए, 6800 नॉर्मल लॉस कितना, 10% ऑफ इनपुट, टोटल इनपुट नहीं बोला, इनपुट मतलब करंट इनपुट 832, तो एनीथिंग बियॉन्ड नॉर्मल लॉस इज व्हाट, एबनॉर्मल लॉस 368, और क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी है 320, नाइन नाइन टू जीरो, नाइन नाइन टू जीरो, ठीक है। नाउ फीफो मतलब अपने फीफो फॉलो कर रहे हैं ना, तो करंट वर्क डन लेंगे, तो ओपनिंग डब्ल्यू आई पी का लेबर 70, ओवरहेड 60, मटेरियल 100, तो रिमेनिंग में मटेरियल का कोई काम नहीं होगा, लेबर का 30% होगा, ओवरहेड का 40% होगा, जो फ्रेश है उसका मटेरियल भी इस साल खरीदा, लेबर भी 100, सब कुछ 100,
ये हम लोग को पता है ये सब चीज, राइट। नॉर्मल लॉस नहीं लेना है। नाउ एबनॉर्मल लॉस का डिग्री ऑफ कंप्लीशन बोला हुआ होगा, देखिए क्या बोला है। बोलिए क्या लेंगे। राइट तो ये अपने यही मानेंगे कि अपना प्रोसेस के लास्ट में लिखा है ना एट द एंड ऑफ द मंथ, मतलब ऐसा हो सकता है कि यूनिट्स कंप्लीट हो गया हो एंड देन आग लगा है, तो एबनॉर्मल लॉस को भी 100 100 100 पे लेंगे, क्योंकि ये मानना बहुत डिफिकल्ट होगा कि एट विच स्टेज। आप लोग बड़ा बड़ा मशीनरी देखे ना जिसमें क्या बीच बीच में पिकअप करके लॉस यूनिट को हटा देता है, बट यहाँ पे वो नहीं हुआ, यहाँ पे आग लगा है, तो हो सकता है एंड ऑफ द मंथ लगा है, तो हो सकता है कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया हो तो उसलिए जल के राख हुआ है। क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 100 30 20, इसका जितना रहता है उतना ही लेते हैं, बढ़ाइए 480 640 6800 ठीक है। टाइम है 10 15 मिनट, घूम के आओ। ठीक है तो ये हो गया 320, 30% ऑफ 320 इज 96 और ये होगा 64। ठीक है सो इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ मटेरियल कितना आ रहा है, तो इससे हमारा पहला बात हो गया, नॉर्मल लॉस भी आ गया, राइट। फिर अपने को बोला है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट दिया, अपने को कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द मंथ निकालना है, तो उसके लिए अपने को इक्विवेलेंट यूनिट से कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट इनकर आ जाएगा। तो सबका पहले बैक कैलकुलेशन ऐड करिए, कितना आ रहा है ये 7488, 480 प्लस 6800 7280 प्लस 368 प्लस 96 करिए 7744, वेरी गुड। उसके बाद 640 प्लस 6800 प्लस 368 प्लस 64 7872, डन। तो अभी अपने कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितना दिया हुआ है हम लोगों को क्वेश्चन में, 46 1418 दिया हुआ है ना, 46 1418, तो हमारा
करंट कॉस्ट कैसे आएगा, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट इनटू इक्विवेलेंट यूनिट। लेकिन याद रखिएगा, स्क्रैप रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस मटेरियल में ऐड होगा, तो 7488 करिए फटाफट। सेवन फोर एट एट इंटू 46, तो 3 4 4 4 4 8 7 7 4 इंटू 14 108 416 7 8 7 2 इंटू 18 141 696 राइट। तो 832 नॉर्मल लॉस है, तो उसका स्क्रैप कितना करके देख के बताइए। तो 832 नॉर्मल लॉस का स्क्रैप कितना करके है, 15 करके, तो 832 इंटू 15 कितना आएगा, 12480। तो ये आ गया 108 416 141 696। ठीक है, अब अगर अपने को मान लो नॉर्मल सम होता तो अपने करंट कॉस्ट से क्या करते, स्क्रैप लेस करते, तो ये आता, उसको इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करते तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आ जाता। इज दैट फाइन, एनी प्रॉब्लम एनीवन? दैट्स कूल। डन। सो अभी हम लोगों को प्रोसेस अकाउंट बनाना है, ठीक है ना? तो उसके लिए अपने को एक और नोट बनाना पड़ेगा, नोट टू। क्या है वो? कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। तो 106560 ऑलरेडी खर्चा हो चुका है, राइट? ओपनिंग WIP पे। ओपनिंग WIP पे इतना खर्चा ऑलरेडी हो चुका है हमारा, प्लस इसका इक्विवेलेंट कितना है, 480 640। 480 into 14 640 into 18, 480 into 14 plus 640 into 18 plus 6800 into 46 plus 6800 into 14 plus 6800 into
2018 करिए। कितना आ रहा है निकाल के बताओ। सिक्स डबल फाइव टू डबल जीरो राइट। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस 368 इक्विवेलेंट इनटू 46, 368 इक्विवेलेंट इनटू 14, 368 इक्विवेलेंट इनटू 18 28704 कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP 320 इंटू 46, 96 इंटू 14 प्लस 64 इंटू 18 राइट। वन सेवन टू वन सिक्स अब खाली औपचारिकता बची है, खाली प्रोसेस अकाउंट बना लीजिए, केम कवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? That's cool. ठीक है, अब आ जाइए फटाफट प्रोसेस अकाउंट। पर्टिकुलर्स, यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट अमाउंट, सब वैल्यूज आ गया बेटा। ओपनिंग WIP का है 1600 106560, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड है 8320। इसका मटेरियल लेबर ओवरहेड 356928, 356928, 108416, 161696, sorry 141 141696। ये हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग? बाय नॉर्मल लॉस 832, बाय एबनॉर्मल लॉस 368,
बाई ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स बाई क्लोजिंग WIP, इसका है 655200, इसका है 28704, इसका है 17216 और ये 12480। इज दैट फाइन? किसी को कोई तकलीफ? ठीक है, आपको समझ में आया? आपको? वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू।